कांकेर में रहस्यमयी हालात में जली कार के रास पर से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। थाना चारामा के ग्राम चावड़ी में जलती हुई कार की गुत्थी को सुलझाकर कांकेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। दरअसल कहानी पूरी फिल्मी है। इस पूरी कहानी का रचयिता कोई और नहीं, कार मालिक ही है, जिसने बीमे के राशि हड़पने के लिए ही सारी कहानी रची थी। आरोपी समरीन सिकतर ने अपने परिवार के साथ कार को आग लगाने के बाद ग्राम चावड़ी से पैदल चलकर चारामा चला गया था। पुलिस को घटना स्थल पर सिर्फ जलती हुई कार मिली थी और कार में सवार समरीन, उसकी पत्नी और बच्चा गायब मिले थे। समरीन ने परिवार समेत जलने की स्क्रिप्ट लिखी थी और बीमे के 72 लाख रुपए डकार जाना चाहता था। जैसा आप लोगों को जानकारी है, दिनांक 1 मार्च को रात में लगभग 11 बजे चारामा पुलिस थाने में सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है फोर व्हीलर, ये कुरर रोड में पेड़ से टकराई और इसमें आग लग गई थी। तो सूचना मिलते साथ जो पेट्रोलिंग है चारामा पुलिस थाने की, वो मौके पे पहुँचते जब पहुँचे थे तब तक काफ़ी ज़्यादा आग गाड़ी में लग चुकी थी। और जब शुरुआती मुआयना किया गया गाड़ी का और आसपास के क्षेत्र का, तो ऐसा कोई ट्रेस समझ नहीं आया कि कोई उसके अंदर में फंस गया हो या कोई सर्वाइवर्स या पैसेंजर्स ना गाड़ी में हमको मौजूद दिखे ना आसपास मौजूद दिखे। तत्काल 108 से भी संपर्क किया गया था ताकि अगर कोई सर्वाइवर्स हो तो उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा सके, लेकिन जो प्रत्यक्ष दर्शी थे जो पहले से मौजूद थे वहां पे, उन लोगों का भी यही कहना था कि कोई भी यहां सर्वाइवर्स या कोई पैसेंजर्स दिख नहीं रहे। पूरे इलाके को रात में क्योंकि अंधेरा था तो जितना भी संभव हो पाया उतना हम लोगों ने तलाशी ली। उसके बाद जब कोई नहीं मिला तो अगले दिन फिर दोबारा हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम लेकर के पूरे इलाके की तलाशी चालू की। फॉरेंसिक टीम ने जब शुरुआती मुआयना किया, जो एशेज बचे थे गाड़ी क्योंकि बुरी तरीके से जल गई थी, तो जो उसमें राख बची हुई थी उसको प्रॉपरली हम लोगों ने जब मॉनिटर किया तो उसमें पता चला कि कोई भी ह्यूमन रिमेन्स उसमें नहीं है। साथ साथ कुछ भी अलग से और भी सामान नहीं मिला, सिर्फ हमको 2 मोबाइल फ़ोन बहुत बुरी तरीके से जली हालत में मिले थे। साथ साथ गाड़ी का जो नंबर प्लेट विजिबल था, तो नंबर प्लेट से हम लोगों ने पता लगाया कि गाड़ी जो है पखांजुर की है। पखांजुर में समीरन सिकदर जो एक बिजनेस मैन है, व्यापारी है, उसकी गाड़ी है और वो अपने परिवार के साथ 1 तारीख की सुबह रायपुर के लिए निकला हुआ था। उनका प्लान ये था कि रायपुर जाएंगे और रायपुर से वापस आएंगे, जैसा घर वालों ने बताया। रायपुर जा कर के किसी डॉक्टर को उनको बच्चे का इलाज कराना था और उसके बाद वापस धमतरी होते हुए पखांजुर लौटना था। फिर हम लोगों ने जब ये सूचना मिली और पता चला कि वो लोग भी गायब हैं, उनके फ़ोन भी बंद हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है परिवार का भी रात भर से, तो फिर हम लोगों ने अपनी अलग अलग टीम्स अलग अलग दिशाओं में भेजी। कुछ तो मौके पर ही जो इलाका था वहाँ सर्चिंग कर रहे थे, फिर क्योंकि उनका जो रूट था वो पूरा धमतरी होते हुए रायपुर गए थे, तो हम लोगों ने धमतरी के लिए कुछ पार्टीज भेजी, कुछ पार्टीज रायपुर के लिए भेजी और रास्ते में जो टोल नाका पड़ता है वहाँ का भी हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह। समरीन ने पहले परिवार को धमतरी आशियाना लॉज में छोड़ा था, कार लेकर योजनाबद्ध तरीके से ग्राम चावड़ी पहुंचकर कार को आग लगाई थी। पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदकर सुनसान स्थान ग्राम चावड़ी में कार पर पेट्रोल छिड़का था। चारामा से बस में सवार होकर समरीन सिकदर धमतरी पहुंचा था। आशियाना लॉज से परिवार को लेकर बस से रायपुर पहुंचा, रायपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से पटना, पटना से गुवाहाटी, गुवाहाटी से रांची और संबलपुर घूमता रहा। नया मोबाइल और दूसरे के नाम से सिम खरीदकर कांकेर की खबरों में अपडेट होता रहा, लिहाजा समरीन सिकदर को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लीलाधर निर्मलकर, कांकेर।